जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जो हमारी भर्ती निकली है एसपीएम सीआईएल में न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है उसके बारे में, जिसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, इसकी नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के लिए जरूरी है अप्लाई करने के लिए, उसकी मैं डिटेल दूंगा। ठीक है, आप सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग आपकी जो में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पर चलते हैं, जहां पर आपको डिटेल देखने को मिल। तो फ्रेंड ये आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में अभी आया है। ठीक है, तो देख सकते हैं भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा आपका मुद्रण निर्माण निगम लिमिटेड सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में निकली भर्ती के बारे में एडवर्टाइज नंबर देखते हैं 3/2021 है। यहाँ पे इसकी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। आपकी जो वैकेंसी है सेक्रेटरी असिस्टेंट की और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की B4 B3 की वैकेंसी है, यहाँ पे 1 और 3 वैकेंसी है। ठीक है, 28 आयु की आयु दे रखी है। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है 22/10/2021 से आपका सेक्रेटरी असिस्टेंट एट B4 लेवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ आपका एटलीस्ट 55% मार्क, आपके कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी आपकी आनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग यहाँ पे आपकी 40 वर्ड पर मिनट रखी गई है। डिजायरेबल की बात करें यहाँ पे प्रोविंसी आपका सेक्रेटरियल जॉब की होनी चाहिए। ठीक है, आपको आपको इसके प्रोविंसी होनी चाहिए यानी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सेक्रेटरियल जॉब की। 28 आपकी आयु दे रखी है। जूनियर ऑफिसर की B3 लेवल की बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट आपकी होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क ऑन कंप्यूटर नॉलेज विथ टाइपिंग स्पीड 30 आपके टाइपिंग स्पीड दे रही है 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, एज 28 ही रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं SPMCIL एज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक आपका अफेयर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैविंग इज रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस जबलपुर आपका व्यापार भवन जनपद दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है इसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो करेंसी है जो जहाँ पे लगती है आपकी देखिए मुंबई कोलकाता हैदराबाद नोएडा में 4 करेंसीज आपकी सिक्योरिटी प्रेस आपका नासिक देवास हैदराबाद आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उनकी वैकेंसी है यहाँ पर आपको दे सकते हैं। यहाँ पे एज मैंने बता दिया बिफोर आपका अप्लाई एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट फुलफिल ऑल एलिजिबल क्राइटेरिया मेंशन जो आपका एडवर्टाइजमेंट दे रखी है पोस्ट के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं आपका जो जो अवेलेबल रहेगा 28/9/2021 को अप्लाई ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग डेट आपकी 27/10/2021 5:30 बजे तक, पेमेंट फीस आपकी 28/9 से 27/10 रखी गई है। एग्जामिनेशन डेट आपको जल्दी ही आपके इन्फॉर्म की जाएगी वेबसाइट के माध्यम से। एज लिमिट में बता चुका रिलेक्शन रहेगा SC ST फिजिकल डिसेबल एक्ट सर्विस मैन है गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। आपका देख सकते हैं कंपटीशन और आपका जो एज मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका जो रखा गया है 27/10/2021 के अनुसार रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें यहाँ पे Phase 1 और Phase 2 होगा। Phase 1 आपका कंप्राइज आपका स्किल टेस्ट आपका जो होगी आपके पोस्ट आपको जो दे रखी है उसके अनुसार जो कि आपको मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे सेक्रेटरी असिस्टेंट की यहाँ पे हिंदी शॉर्ट हैंड आपका होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट ऑफ 75 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आपका डिक्टेशन 10 मिनट का रखा गया, ट्रांजेक्शन 65 रखा गया और टाइपिंग जो हिंदी और अंग्रेजी ऑन कंप्यूटर 40 आपका 40 वर्ड पर मिनट 10 आपका मिनट में। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे आपका इंग्लिश हिंदी में यहाँ पे आपको दे रखा है। टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट 30 आपको वर्ड पर रेस्पेक्टली 10 मिनट के अंदर। ठीक है, Phase 2 पे यहाँ पे देखेंगे आपका जो रहेगा फॉर बोथ सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड जूनियर ऑफिसर कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा दोनों के लिए। ओनली दोस कैंडिडेट हु क्वालिफाई स्किल टेस्ट उनको ही यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी मैरिज लिस्ट तैयार की जाएगी, आपके जो आपके मार्क ऑब्टेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे आपके जो रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, बाय लैंग्वेज रहेंगे आपके देश के 2 भाषी रहेंगे हिंदी और अंग्रेजी बोथ में। एक्सपेक्ट आपका लैंग्वेज सेक्शन विच विल अवेलेबल ऑन रेस्पेक्टिव लैंग्वेज, जो आपका लैंग्वेज सेक्शन है वो लैंग्वेज में ही रहेगा जिस लैंग्वेज का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे देखिए जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंसी और आपका एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क दिए जाएंगे। सेक्रेटरी असिस्टेंट हिंदी का कंप्रिहेंसिव पैसेज आपका हिंदी ग्रामर, ठीक है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज वर्ड एंड यूजेस 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 रहेंगे। यहाँ पे आपका फॉर जूनियर ऑफिसर दे सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल आदि इसके रहेंगे। ठीक है, 100 नंबर का होगा, 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। ईच आपका टाइप क्वेश्चन होगा, 4 आंसर होंगे, आपके 1 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे 25% आपका नेगेटिव मार्क यानी 1/4 रहेगा। ड्यूरेशन आपकी टेस्ट की 2 घंटे की रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एग्जिट टेस्ट आपका सेशन
डेट है और आपका लोकेशन जो रहेगी आपके एडमिट कार्ड पर आपको द्वारा पता चल जाएगा। एडमिशन तक टेस्ट आप देखते हैं, स्किल टेस्ट, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन प्योरली आपका रहेगा प्रोविजन विदाउट वेरिफिकेशन। एज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आप कैटेगरी SST आपका, OBC आपका ऑफ द एप्लीकेशन। ईच एप्लीकेशन शुड देयरफॉर इंश्योर दैट ही शुल फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पे स्किल टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट विल बी कंडक्ट बाई आपका दिल्ली NCR में आपका रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में दे रखा है, आपको किस तरीके अप्लाई करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, कैरियर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं 3/2021 OP यहाँ पे आपको दे रखा है, उस पर आपको गाइडलाइंस है। ऑनलाइन अप्लाई पे यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे एग्जामिनेशन की फीस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 400 रुपये फीस है। आवेदन करने की तारीख 28 से लेकर 27 तारीख तक अक्टूबर तक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप UR OBC कैटेगरी के लिए रखिए 400 रुपये फीस। यहाँ पे आपका इंटीमेट चार्ज है 100 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फिजिकल डिसेबल SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई यहाँ पे फीस इंक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, यहाँ पे GST चार्ज है। डाउनलोड एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए जनरल कंडीशन देखने को मिल जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली इंडियन नागरिक आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन जो आपका होगा, स्किल टेस्ट, ऑनलाइन रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन प्योरली ऑफ प्रोविजन विदाउट वेरिफिकेशन होगा। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपकी कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेशन जो आपकी रहेगी। ईच एप्लीकेशन शुड बी देयर इंश्योर दैट ही और शी फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, पर्टिकुलर फिनिश द एप्लीकेशन कंप्लीट करेक्ट आपकी रहेगी ऑल रेस्पेक्ट। ठीक, तो ये सब आपकी डिटेल है। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको देखिए जो आपकी जानकारी आ रही है नीचे, देखिए यहाँ पे आपको फिजिकली डिसेबल है वो भी यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपके 2 पेज का नोटिफिकेशन यहाँ पे आप जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी किया गया है, जो अभी आप प्रोविजन दे सकते हैं। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट आपका प्लेस किया जाएगा, प्रोविजन पीरियड जो कि 1 साल का रहेगा। तो प्रोविजन पीरियड में भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कि 1 साल और आपका करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रोविजन पीरियड पर रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैंने आप लोगों को जानकारी दे रखी है, यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनको आपको प्रेजेंट एम्प्लॉई है तो यहाँ पे आपको इसकी डिटेल दे रखी है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये नोटिफिकेशन था जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में निकला है 25 सितंबर से लेकर 1/2021 में आपको जारी किया गया है। इसमें आपने मैंने डिटेल मैंने आप लोगों को बताई गई है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जरूर बताएं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं इसके कैरी सेक्शन में, अभी ये आपको देखने को नहीं मिलेगा तो जल्दी ये आप लोगों की इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैरी सेक्शन में तो यहाँ से ही आपको डाउनलोड करना है और यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ये अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया तो आप लोगों को ये जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली अपडेट के हमारे चैनल से बने रहे, सब्सक्राइब करें या फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे नीचे दिए गए लिंक के साथ। और वीडियो पसंद आया तो जरूर बताएं और कमेंट में या फॉरम रिलेटिव या किसी भी अन्य वैकेंसी रिलेटेड जानकारी का अपडेट के हमारे चैनल बने रहे। वीडियो देखने